फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और नई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसका ग्राफ मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगी। ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। ये वाला रिंग बनाने के बाद हमें ये सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल के बाद ये वाला रिंग बनाइए, देन ये सेमी सर्कल, उसके बाद ये रिंग बनाते हुए फिर ये चेन बनेगी और फिर ये वाला रिंग बनेगा। इस रिंग के बनने के बाद आप इसके साथ ये सेमी सर्कल और रिंग अटैच करते हुए जाइए। इस रिंग के कंप्लीट होने के बाद आप ये वाला रिंग कंप्लीट करेंगे, देन सेमी सर्कल रिंग, सेमी सर्कल रिंग और सेमी सर्कल करते हुए फिर ये हमारी डिज़ाइन चेन के पास आते हुए फिर ये हमारे 3 पेटल्स का ये फ्लावर बनेगा। इसके बाद फिर ये सेमी सर्कल जो पिछले सेमी सर्कल से अटैच होगा और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन आगे बढ़ती जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल और पैरेट ग्रीन कलर लिया हुआ है और इसके लिए 2 शटल ली है। दोनों शटल में मैंने दोनों कलर भर लिए हैं। सबसे पहले आप दोनों कलर में नॉट लगाइए और नॉट लगाकर ग्रीन थ्रेड से बनाइए 8 डबल स्टिच वीविंग करते हुए। थ्रेड को वीव कर लीजिए और 8 डबल स्टिच बनाइए। वो डबल स्टिच तक हमने वीव कर लिया है। अब हम थ्रेड को काट देते हैं। अब बनाइए टोटल 8 डबल स्टिच। एक और 8 डबल स्टिच। थ्रेड खींच दीजिए। ये देखिए, एक रिंग बन गया 8 डबल स्टिच वाला। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और नीचे गोले के धागे को, पर्पल कलर को जो कि मैंने नीचे दूसरा शटल यूज़ किया है, इसको फिंगर पर लपेटते हुए वीव करते हुए बनाइए 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच तक हो गया है। अब हम थ्रेड को काट देते हैं। अब बनाइए पिकॉट। अगेन 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच, थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमारी सेमी सर्कल बन गई एक छोटी सी। आप डिज़ाइन को फ्लिप करके फिर से बनाइए एक छोटा सा रिंग जैसे हमने पहले बनाया था। 8 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। एक डबल स्टिच बना के रिंग कंप्लीट कीजिए।
देखिए इस तरह से बन गया। अब डिज़ाइन को फ्लिप करके फिर से एक सेमी सर्कल बनाइए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, अगेन थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में फोर डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। एक बार चेक कर लीजिए, थ्री डबल स्टिच पिकॉट, थ्री डबल स्टिच पिकॉट, थ्री डबल स्टिच पिकॉट, थ्री डबल स्टिच पिकॉट और फोर डबल स्टिच, टोटल फोर पिकॉट बने हमारे। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। सेकेंड सेमी सर्कल कंप्लीट हो गई है। अब हम इस सेमी सर्कल को जहाँ से हमने दो रिंग अटैच किए थे वहाँ से इसको अटैच कर देंगे। इस साइड से इसको अटैच कर दीजिए। देखिए इस तरह से अटैच हो गई। अटैच होने के बाद अब हम यहाँ से एक रिंग बनाएंगे ग्रीन थ्रेड का, एट डबल स्टिच लास्ट में ले जाकर। पिकॉट, पिकॉट छोटा बनाइएगा और एट डबल स्टिच। ये इस तरह से हमारा एक रिंग और कंप्लीट हो गया। अब फिर से पर्पल थ्रेड को फिंगर पर लपेटिए और एक सेमी सर्कल, एक चेन बनानी है हमें एट डबल स्टिच की, तो कुल पांच में ले जाइए। इस तरह से हमारी चेन कंप्लीट हो गई। अब पर्पल थ्रेड को खोल दीजिए और ग्रीन थ्रेड से एक बड़ा रिंग बनाइए, फाइव डबल स्टिच, पिकॉट, पिकॉट बड़े बनाइएगा। पिकॉट फाइव डबल स्टिच, पिकॉट फाइव डबल स्टिच, थ्री पिकॉट बनेंगे। अब डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और हमें सेमी सर्कल बनाना है। यहाँ पे मैंने थ्रेड चेंज कर दिया है। आप बनाइए फाइव डबल स्टिच, फाइव डबल स्टिच के बाद हमने जो ये वाला रिंग बनाया था इस रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए।
फिर से बनाइए 5 डबल स्टिच। देखिए ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से चल रही है। आप इसको फ्लिप कीजिए और एक छोटा सा रिंग बनाइए 5 डबल स्टिच। फाइव डबल स्टिच के बाद हम इसमें एक बीट्स डालेंगे। अगेन 5 डबल स्टिच। थ्रेड खींच दीजिए, एक छोटा सा ये रिंग बन गया। अब फिर से हम सेमी सर्कल बनाएंगे। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए बनाइए 5 डबल स्टिच। पिकॉट 5 डबल स्टिच। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। अब फिर से एक छोटा सा रिंग इस तरह का बनाइए 5 डबल स्टिच। शटल के धागे से 5 डबल स्टिच। फाइव डबल स्टिच के बाद जहाँ से हमने ये रिंग निकाला था वहीं से हमको उसको निकालना है। फिर से 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन गई। अब डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से सेमी सर्कल बनाइए। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से 5 डबल स्टिच का एक छोटा सा रिंग बनाइए पर्पल कलर का। पास में ले जाकर बीट्स डालिए और इस वाले पिकॉर्ड से इस रिंग को अटैच कीजिए। थ्रेड खींच दीजिए कि हमारा ये छोटा सा रिंग बन गया है। अब ग्रीन थ्रेड को पीछे करते हुए इसी से लगा हुआ एक छोटा रिंग और बनाइए। इसकी पास पास में ले जाते हुए बिल्कुल 6 डबल स्टिच। बीट्स डालिए।
6 डबल स्टिच, थ्रेड का कॉम्बिनेशन और बीड्स का कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन थ्रेड, ग्रीन बीड्स बड़ी वाली डाल दी है। इस तरह से हमारा एक ईयरिंग नीचे का कंप्लीट हो गया। अब नीचे से फिर से ग्रीन थ्रेड निकालिए और फिंगर पर लपेटते हुए फिर से सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। पाँच में ले जाकर 5 डबल स्टिच, पिकॉट, अगेन 5 डबल स्टिच, सेमी सर्कल फ्लिप कीजिए डिज़ाइन को, फिर से एक छोटा रिंग बनाइए। सेमी सर्कल 5 डबल स्टिच करने के बाद हमने जहाँ से ये वाला रिंग अटैच किया था यहीं से इसको फिर से अटैच कर दीजिए। फिर से 5 डबल स्टिच बनाइए और ये सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए दो पेटल्स बन गई हैं। आप डिज़ाइन फ्लिप कीजिए, फिर से अपना ये 5 डबल स्टिच वाला सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया है। सेमी सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर से इस वाले पिकॉट पे बीड्स डालते हुए दो इस तरह के रिंग बनाइए पर्पल वाले। ये देखिए हमारा दूसरा रिंग भी बन गया। अब फिर से बनाइए सेमी सर्कल, लास्ट सेमी सर्कल इस डिज़ाइन का होगा हमारा 5 डबल स्टिच पिकॉट और 5 डबल स्टिच का। ये देखिए फ्रेंड्स पिकॉट बनने के बाद जहाँ से हमने ये रिंग स्टार्ट किया था ग्रीन वाला बड़ा, वहीं पे इस वाले सेमी सर्कल को अटैच कर दीजिए। जैसे कि ये अटैच होके यहाँ से आया था वैसे इस वाले को अटैच कर दीजिए इस साइड पे। थ्रेड को टाइट कर दीजिए। ये हमारा यहाँ पे सेमी सर्कल ये देखिए अटैच हो चुका है और नीचे का पूरा एक मोटिफ कंप्लीट हो गया है। इस तरह से अब बनाइए, थ्रेड चेंज कर दीजिए। हमने ये वाली चेन फिर से बनानी है 8 डबल स्टिच वाली जो पर्पल बनाई थी। तो धागा अब गोले, ये ग्रीन थ्रेड को हटा के पर्पल थ्रेड को फिंगर पर लपेट दीजिए। और 8 डबल स्टिच की चेन कंप्लीट कीजिए। तो ग्रीन धागे से बनाइए 8 डबल स्टिच। एट डबल स्टिच के बाद हमने जो ये मोटिव बनाया था इसके इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। जो लास्ट हमारा सेमी सर्कल था उसके साथ इसको अटैच कीजिए। और फिर से ये डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए।
ये हमारा एक रिंग यहाँ पे अटैच हो गया है। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। इसी के पास एक रिंग और बनाइए, पास में ले जाकर एक डबल स्टिच, पिकॉट, एट डबल स्टिच, ये देखिए हमारा दूसरा रिंग भी हो गया। दो रिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमें सेमी सर्कल बनाना है, तो पर्पल धागे को साइड में ले जाकर सेमी सर्कल बनाइए। सबसे पहले फोर डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाकर फोर डबल स्टिच के बाद पिछले वाला जो मोटिव हमने बनाया था उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए, ये हमने फोर डबल स्टिच बनाया था, तो इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। अब जब आप डिज़ाइन को अटैच करते जाएंगे तो आपको पूरा मोटिव क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से अटैच हुआ। अब बनाइए थ्री डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद फिर से इसके साथ अटैच कीजिए। हमारी डिजाइन इस तरह से आ गई है, देखिए। अब फिर से बनाइए थ्री डबल स्टिच पिकॉट, थ्री डबल स्टिच पिकॉट और थ्री डबल स्टिच, जैसे कि हमारा इस वाले मोटिव में, देखिए थ्री डबल स्टिच पिकॉट, थ्री डबल स्टिच पिकॉट और थ्री डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल इधर कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, ये हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। इसके कंप्लीट होने के बाद हम इस वाले पिकॉट से, रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से अटैच हो गई। जैसे कि यहाँ पे रिंग जुड़ी हुई है, उसी तरह यहाँ पे ये रिंग भी अटैच हो गई। अब यहाँ से फिर से एक सेमी सर्कल बनेगा, थ्री डबल स्टिच। पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और थ्री डबल स्टिच। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, जैसे हमने ये स्टार्टिंग में बनाया था, पहला रिंग बना के हमने ये वाला सेमी सर्कल बनाया था, वही सेमी सर्कल अब यहाँ पे बन गया। अब इसी से लगता हुआ एक रिंग और बनाइए। रिंग हम एट डबल स्टिच के बना रहे हैं, तो एट डबल स्टिच करने के बाद जहाँ पे ये दो रिंग बने हुए हैं, इस पॉइंट पे हम इसको अटैच कर देंगे। टाइट कर दीजिए और फिर से डबल स्टिच कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये तीन पेटल्स यहाँ पे जुड़ गए, एक इधर, ये तीन का एक क्लस्टर पूरा बन गया। तो ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से हो गई, जैसे यहाँ पे थ्री बने थे वैसे यहाँ पे तीन बन गए। इनको फ्लिप कीजिए और यहाँ पे एट डबल स्टिच का एक रिंग और बनाइए। बिल्कुल पास में ले जाकर
यहाँ पे मैं एक बीड्स डालती रही हूँ इसके साथ में, आप चाहे तो वाइट डाल दीजिए, मैं यहाँ पे ग्रीन डाल रही हूँ। ग्रीन वैसे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, वाइट शायद ज़्यादा अच्छी लगती। कोई नहीं, ये देखिए यहाँ पे एक ये रिंग इस तरह से बीड्स डाल दी मैंने। इसके बनने के बाद इसी से अटैच किया हुआ एक रिंग और बनाई है। फ्रेंड्स जिन्हें शटल चलाना आ गया है वो इस डिज़ाइन को आसानी से जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बना लेंगे। जिन्हें शटल चलाना अभी नहीं आया है वो पहले मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शटल फॉर बिगनर्स का लिंक लेके वीडियो देख सकते हैं और शटल चलाना सीख सकते हैं। ये 8 डबल स्टिच हो चुके हैं और यहाँ थ्रेड खींच दीजिए। इस तरह से यहाँ पे एक 3 पेटल्स का फ्लावर फिर बन गया। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से सेमी सर्कल बनाइए पर्पल धागे से। 3 डबल स्टिच करके इस वाले पिकॉर्ड से इसको अटैच कर दीजिए, इस चेन को। ये चेन यहाँ पे अटैच हो जाएगी। फिर से 3 डबल स्टिच पिकॉर्ड और 3 डबल स्टिच करके ये छोटी चेन कंप्लीट कीजिए। अब डिज़ाइन फ्लिप कीजिए, फिर से एक रिंग बनाइए 8 डबल स्टिच वाला ग्रीन थ्रेड से। इस वाले रिंग से इसको अटैच कर दीजिए। फिर से 8 डबल स्टिच बना के इसको कंप्लीट कीजिए। और सेमी सर्कल बनाइए। अब हमें ये वाली सेमी सर्कल फिर से बनानी है। 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच पिकॉट और 4 डबल स्टिच, जो हमने ये सेमी सर्कल बनाई थी ये वाली, अब हम फिर से वही सेमी सर्कल इधर बना रहे हैं। तो पहले 3 डबल स्टिच, ये सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पे जहाँ हमने ये 2 रिंग बनाए थे यहीं पे इसको अटैच कर दीजिएगा। सेम वही वाला प्रोसेस कर रहे हैं हम जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। ये 2 रिंग कंप्लीट होने के बाद हमने ये सेमी सर्कल यहाँ पे अटैच किया था, तो उसी तरह अब हम फिर से वहीं पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये सेमी सर्कल को अटैच कर दीजिए। अब यहीं से एक रिंग और बनाइए, 8 डबल स्टिच पिकॉट और 8 डबल स्टिच। इस तरह से रिंग बन गया। 8 डबल स्टिच की चेन बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये फिर से वाली चेन बन गई है जो हमें ये बनाई थी। इसके बाद हम फिर से ये बड़ा वाला रिंग बनाएंगे। यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक लग रही है, वो ये है कि ग्राफ में मैंने यहाँ पर एक रिंग बनाया था लेकिन जब मैंने डिज़ाइन बनाई तो मैंने यहाँ पर 2 रिंग कर दिया। अगर आप एक रिंग बनाते हैं तो ये डिज़ाइन बीच में आती है जिसमें हमने ये बीड्स डाल रखी है। अभी ये 2 रिंग बनाने से ये डिज़ाइन बीच में नहीं आ रही है, वो यहाँ पर आनी चाहिए थी। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर 2 रिंग, मुझे एक रिंग अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ पर 2 रिंग बनाए, तो आप इस तरह से रिंग ना बनाते हुए इस सेमी सर्कल पर आप यहाँ पर एक रिंग बना। चलिए एक बार बना के ही देख लेते हैं। अब बनाइए ग्रीन थ्रेड से एक बड़ा रिंग, 5 डबल स्टिच वाला, जैसे कि हमने ये वाला बनाया था। ये देखिए मेरा रिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेमी सर्कल बनाना है। थ्रेड चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे। अब ग्रीन वाला थर्ड फिंगर पर लपेट लीजिए और पर्पल थ्रेड से बनाइएगा 5 डबल स्टिच पिकॉट और 5 डबल स्टिच। तो पहले 5 डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच के बाद इस रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए।
और फिर से 5 डबल स्टिच करके सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। और पर्पल कलर का एक छोटा रिंग बनेगा 5 डबल स्टिच। पिकॉट के साथ बड़े वाले रिंग के पिकॉट से अटैच करेंगे, लेकिन पहले बीट्स डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बीच वाले रिंग में आ गए हैं। अब हम फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे, लेकिन सेमी सर्कल के ऊपर हम एक रिंग बनाएंगे। तो हम पहले 5 डबल स्टिच बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 डबल स्टिच कंप्लीट कर लिए। अब ग्रीन थ्रेड से यहाँ पे एक रिंग बनाएंगे 6 डबल स्टिच का। अब इसमें बीड्स डाल दीजिए। तो ग्रीन की जगह मैं यहाँ पर वाइट ही बीड्स डाल रही हूँ। अगेन 6 डबल स्टिच। अब फिर से ये ग्रीन वाला धागा फिंगर पर लपेट लीजिए, क्योंकि हम अपने सेमी सर्कल ग्रीन से ही बना रहे थे। और अब आगे बनाइए फिर से 5 डबल स्टिचेस। डिजाइन फ्लिप कीजिए और फिर से एक पर्पल छोटा रिंग बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये डिज़ाइन इस तरह से पूरी बन के आ रही है। अभी हमने जो चेंज किया था वो ये देखिए, इन दो रिंग के नीचे जो हमने सेमी सर्कल बनाया था उसी पे हमने ये बीच का रिंग बना दिया है, जबकि यहाँ पे ये रिंग बीच में आना चाहिए था, वो साइड में हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी ये डिज़ाइन बनाएं तो आप इसी तरह से बनाएं, इसमें यहाँ पर बीच में रिंग बनाइएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गई होगी और ये डिज़ाइन आपको पसंद भी आई होगी। आप इस डिज़ाइन को अपने कुर्ते के गले में भी लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, या ब्लाउज़ के पीछे पीछे ब्लाउज़ में आप ये इस तरह से डिज़ाइन डाल सकते हैं अपने पूरे। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी नई नई डिज़ाइन लेकर आऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।